शिरडी जाने वाले भक्त सावधान, तंग कपड़े पहनकर शिरडी साईं दर्शन के लिए न आएं, ऐसा अनुरोध साईं बाबा संस्थान ने भक्तों से किया है। साईं दर्शन के लिए शिरडी जाते समय भारतीय पोशाक पहनने की अपील साईं ट्रस्ट संस्थान द्वारा की गई है। साईं संस्थान ने मंदिर परिसर के साथ साथ प्रवेश द्वार पर भी सूचना वाले बोर्ड लगाए हैं। जो श्रद्धालु तंग कपड़े पहनते हैं उन्हें सुरक्षा गार्ड गेट से ही वापस लौटा रहे हैं। इस बोर्ड को लेकर अब एक नया बवाल शुरू हो गया है। क्या भक्तों के कपड़ों को देखकर मंदिर में प्रवेश करना या ना करने देना सही है, ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है। इसी बवाल पर पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने आवाज उठाया है। उन्होंने कहा कि शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भक्त देश विदेश से आते हैं, अलग अलग जात और धर्म के लोग दर्शन के लिए आते हैं। शिरडी संस्थान द्वारा एक बोर्ड मंदिर के बाहर लगाया गया है जिसमें भक्तों ने सभ्य पोशाक पहनकर मंदिर में प्रवेश करें, ऐसा बोर्ड लगाया गया है। भारत में संविधान है और संविधान ने सभी को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्र दिया है, और किसी ने क्या बोलना चाहिए या फिर क्या पहनना चाहिए ये जिसका उसका प्रश्न है। मंदिर में किस तरह के कपड़े पहने जाने चाहिए इसका ध्यान सभी भक्तों को होता है, और भक्तों का जो श्रद्धा स्थान होता है वो किसी कपड़ों को लेकर नहीं ठहराया जा सकता, उनकी श्रद्धा महत्व की होती है। इसी वजह से ऐसा बोर्ड लगाना मतलब संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अपमान है। और हमने देखा है कि कई मंदिरों में शिरडी के साईं मंदिर में भी पुजारी होते हैं, पुजारी भी अर्धनग्न होते हैं, वो सिर्फ धोती पहनते हैं, लेकिन उनके लिए कहीं ऐसा बोर्ड नहीं लगाया गया कि उन्हें प्रवेश नहीं, इसलिए शिरडी संस्थान द्वारा लगाया गया बोर्ड तुरंत निकाला जाए, फिर हमें खुद आकर ये बोर्ड निकालना पड़ेगा। शिरडीच्या साई बाबा मंदिरामध्ये भक्त श्रद्धेने दर्शनाला देश विदेशातून येत असतात, आणि प्रत्येक भक्त जे आहेत ते वेगवेगळ्या जाती धर्मांचे तिथे दर्शनाला येतात। शिरडी संस्थानाने एक बोर्ड जो आहे तो मंदिराच्या बाहेर लावलेला आहे ज्याच्यामध्ये भक्तांनी सभ्य पोशाख घालून यावं अशा पद्धतीचा तो बोर्ड आहे। भारतामध्ये संविधान आहे, संविधानाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, त्यामुळे कुणी काय बोलावं, कुणी कुठे कसे कपडे घालावेत हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, आणि मंदिरामध्ये कशा पद्धतीचे कपडे आपण घातले पाहिजे याचं भान हे सर्व भक्तांना आहे, आणि भक्तांचं जे श्रद्धास्थान आहे ते कुठल्याही कपड्यांवरून आपण ठरवू शकत नाही, त्यांची श्रद्धा महत्त्वाची असते, त्यामुळे अशा पद्धतीचा बोर्ड लावणं म्हणजे संविधानानं दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अपमान आहे। आणि आपण जर पाहिलं तर अनेक मंदिरांमध्ये, अगदी शिरडी संस्थानच्या मंदिरामध्ये सुद्धा पुजारी असतात, पुजारी हे अर्धनग्न अवस्थेत असतात, ते फक्त सोहळं घालतात, वरचा भाग हा उघडाच असतो, म्हणून काय कधी कुठल्या भक्तांनी असा बोर्ड लावला नाही की अर्धनग्न पुजाऱ्यांसाठी जो आहे तो मंदिरामध्ये प्रवेश नाही। त्यामुळं शिरडी संस्थानाने असा बोर्ड जो लावलेला आहे तो पूर्णपणे भक्तांचा अपमान करणारा आहे, तो तातडीनं बोर्ड काढावा, अन्यथा शिरडीमध्ये येऊन आम्हाला स्वतः तो बोर्ड काढून टाकावा लागेल। रिपोर्ट, BSRST News, पुणे।